प्राचीन काल से ही लोग सोचते आए हैं कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मानव जाति ने हमेशा से ही एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में बार बार इस दुनिया की खोज की है। 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने लोगों के पूजा करने और सोचने के तौर तरीकों को बदलते हुए सुधार की शुरुआत की थी। आज हम फिर एक चौराहे पर खड़े हैं। दुनिया में कोई स्पष्टता नहीं है। हमें यह मानने की जरूरत है कि सिर्फ एक ही रास्ता या एक ही सच नहीं है। प्रगति क्या है? तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। क्या ये सकारात्मक विकास है? हम इसे प्रगति कहते हैं, पर क्या ये सकारात्मक है? ये एक अलग मुद्दा है। यूरोपियन लोगों का अपना नजरिया है। उन्हें लगता है कि हर चीज को परिभाषित करने की जरूरत है। कुछ पैमाने हैं जो बड़े स्वाभाविक हैं। सच सिर्फ एक है, लेकिन मेरा मानना है कि चीजों को काले सफेद के खांचे में न बांटना बेहतर है। स्पष्टता जैसा कुछ नहीं है। आज के वक्त और दौर में सच क्या है? मार्टिन लूथर बाइबल में सच की तलाश कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर की बात को अपना सच बनाया और बुराई से जंग लड़ी। 500 साल बाद हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं। हम लगातार शब्दों और तस्वीरों से घिरे रहते हैं। हम सभी को जानकारियों की इस बाढ़ से अपने सच को अलग करने की जरूरत है, पर इसके लिए हमें एक पैमाना चाहिए। अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारी हमारी मुट्ठी में है, पर क्या हमारे भीतर अज्ञात का डर पहले से कम हो पाया है? मानव जाति ने हमेशा जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश की है। सत्यों का टकराना लाजमी है, लेकिन किसी चीज में भरोसा जमाने से पहले तथ्यों को जानना जरूरी है। ऑनलाइन पत्रकार पाउलीने टिलमन तथ्य इकट्ठा करने को अपने काम का हिस्सा मानती हैं। ठहराव मृत्यु है। इंसान का स्वभाव ही प्रगति करते रहना है। मुझे लगता है कि समाज को ठहरना नहीं चाहिए, इसे लगातार बढ़ते रहना चाहिए और खुद की खोज करते रहना चाहिए। लूथर के 95वें सिद्धांत पेश करने के करीब 100 साल बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में एक ऐसा दौर आया जिसे छोटे हिमयुग के तौर पर जाना गया। हर जगह भूख और बीमारी थी। लोगों को डर था कि दुनिया खत्म हो रही है। वो इल्जाम मढ़ने के लिए किसी की तलाश में थे। धर्म सुधार के सबक के बावजूद उन्होंने एक बार फिर औरतों और पुरुषों दोनों पर जादू टोना करने, शैतान की पूजा करने और दुनिया नष्ट करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तमाम लोग अपने सांसारिक अस्तित्व से निराश होकर सोचने लगे कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। एक दैवीय व्यवस्था के प्रमाण की तलाश में खगोलविदों ने आकाश को मापना शुरू किया। नई खोजें नई सच्चाइयों और नई उम्मीदों की ओर ले जा सकती हैं। मुझे वाकई लगता है कि वस्तु पर ज्ञान जैसी एक चीज होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सच की गारंटी है, अपने आप तो बिल्कुल नहीं, पर मुझे लगता है कि हम जान सकते हैं और गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी गलतियां सुधारने के उपाय हैं। और ये कि ये आसान प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत लगन और लंबे समय तक सोच विचार करने की जरूरत होती है। लेकिन ये दुनिया बेढंगे तरीके से चलने का नाम नहीं है, हम इसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेमगो में एक दुकानदार थी अना फेल्टमंस। 1654 में उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया और वो घर से भाग गईं। मैंने अपने पति को जहर नहीं दिया, मैंने शैतान से हाथ नहीं मिलाया। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अना फेल्टमंस ने ब्रेमेन में अपने रिश्तेदारों से पनाह मांगी, लेकिन आखिरकार वो जालिमों के हत्थे चढ़ गईं।
द मैलियस मेल फिकारम या डायनो का हथौड़ा। जादू टोने पर लिखी वो किताब थी जो पहली बार 1486 में स्पायर शहर में छापी गई थी। 30 साल की वो जंग रूह कपा देने वाली थी। देश भर में महिलाओं को खूंटे से बांधकर जला दिया जाता था। ये लूथर के दिनों की याद दिलाता है जब दुनिया की हर बुरी चीज के लिए औरतों को दोषी ठहरा दिया जाता था, उन्हें कमजोर और शैतानी ताकत से प्रभावित होने वाली माना जाता था। शैतान ने इस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की और परमेश्वर की सृष्टि को खत्म करने के लिए अपनी सेना भेजी। शैतान के ये दूत ओले लाए, फसलें खराब हुई, मवेशी मरने लगे, बच्चे कोख में खत्म होने लगे। सच किसे पता है? नए डिजिटल मीडिया पारंपरिक मीडिया को खदेड़ रहे हैं। आज हर किसी के पास एक मंच है। पाउलीने टिलमन ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक ऑनलाइन पत्रिका स्थापित की। हमने महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए योर कॉरेस्पॉन्डेंट नाम की एक डिजिटल मैगजीन बनाई। हम चाहते हैं कि रोजाना रात में टीवी पर ना दिखने की वजह से जिन महिला रिपोर्टरों को कोई नहीं जानता उन्हें ज्यादा लोग देखें। मेरे जैसे स्वतंत्र पत्रकार जो 10-12 साल से किसी चीज के विशेषज्ञ हैं लेकिन रेडियो और अखबार में काम करने की वजह से पर्दे के पीछे ही रहे, हम दुनिया भर की मजबूत महिलाओं की कहानियाँ भी सुनाना चाहते हैं। मैं हूं पाउलीने टिलमन, योर कॉरेस्पॉन्डेंट की प्रधान संपादक। पाउलीने एक रिपोर्टर भी हैं और निर्माता भी। उनके ऊपर कोई संपादक नहीं है जो उन्हें आदेश दे। वो और उनके पति दक्षिणी जर्मनी में कॉन्स्टेंस झील के पास रहते हैं। अपने दर्शकों को चुनौती देना बहुत अहम है, इसीलिए मुझे विवादास्पद और कठिन मुद्दों पर बात करना सही लगता है। अपने दर्शकों को ऐसे तरीकों से ये कहानियाँ बता सकते हैं जिन्हें वे सराहेंगे। दुनिया का पहला अखबार 1605 में आजाद शाही शहर स्ट्रासबुर्ग में प्रकाशित हुआ था। हर हफ्ते घुड़सवार कुरियर ऑक्सबुर्ग से खबरें लाते थे जो उस समय जर्मनी में समाचारों का केंद्र हुआ करता था। उपदेश सुनने के बजाय बड़ी संख्या में लोगों ने अपना मन बनाने और अपने अंदर की आवाज सुनने पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वे लूथर के दौर के विचारों को पीछे छोड़ने लगे। मशीन से बनी खगोलीय घड़ी ने मानव जाति को ब्रह्मांड में उसकी जगह का एहसास कराया। स्ट्रासबुर्ग में रहने वाले योहान कारोलुस एक युवा प्रकाशक और जिल्दसाज थे। कई और लोगों की तरह उन्होंने भी ऑक्सबुर्ग के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन की सदस्यता ले ली। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जिसमें वो पूरी जर्मनी से समाचारों के साथ हस्तलिखित रिपोर्ट लेते और एक समाचार पत्र तैयार करते, फिर वो इसे छापते और सस्ते दामों पर बेचते। आज हम जानते हैं कि किसी भी केंद्रीय सत्ता के लिए ज्ञान को कब्जे में रखने और लोगों को अपने मन मुताबिक सीखने से रोकने की ताकत नाटकीय रूप से कम हो गई है। यहाँ तक कि कुछ सबसे निरंकुश समाजों में भी वो समझ गए हैं कि आप ज्ञान पर काबू नहीं कर सकते। आप लोगों को कुछ खास चीजों के बारे में बात ना करने के लिए डरा सकते हैं लेकिन उन्हें पता चल ही जाएगा। 400 साल पहले यूरोपीय खोज का युग शुरू ही हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बड़े हिस्से और दक्षिणी ध्रुव अनदेखे क्षेत्र थे। खगोल विज्ञानी जोहानेस कैपलर ने फिर से आसमान का मानचित्रण शुरू किया। वो मानते थे कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लेकर एक दिव्य योजना बनाई थी जिसका सांसारिक ज्ञान से भी पता लगाया जा सकता है। मार्टिन लूथर से उलट वो सिर्फ बाइबल और ईश्वरीय शब्दों पर निर्भर नहीं थे। वो सोचा करते थे कि क्या इंसान एक दिन आकाश में पहुंच सकता है। लॉर्ड
इंसान ने जहाज और पाल बनाए जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। हो सकता है एक दिन आए जब लोग ब्रह्मांड के विस्तार से डरे ना, बल्कि सितारों की यात्रा करें। केपलर साफ तौर पर लूथर से एक कदम आगे थे। उन्होंने लूथर की परंपराओं और उनके सोचने के पुराने ढंग को नहीं छोड़ा, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे जहां लोगों के सोचने का ढंग और चाल चलन बहुत अलग था। सृजन का मतलब क्या है? आखिर ये दुनिया कहां से आई? ऐसा लगता है मानो हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। सब जानना चाहते हैं कि हम क्यों हैं और हमारी ये दुनिया बनी कैसे। दूसरा सवाल है कि भविष्य में क्या होगा। मानवता अपने परिवेश के साथ क्या कर रही है? हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है? ये विज्ञान के दो मुख्य फोकस हैं। पर क्या विज्ञान वाकई इन अहम सवालों के जवाब दे सकता है? क्या हर चीज तथ्यों और आंकड़ों में समेटी जा सकती है? खगोल शास्त्री कारोलीने डॉन ब्रह्मांड के बाहरी छोरों पर शोध करती हैं। बर्न विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वो एक्सोप्लैनेट यानी उन ग्रहों का अध्ययन करती हैं जो हमारे सूरज के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। मेरे शोध का लक्ष्य ये पता लगाना है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में बसने लायक कोई और ग्रह भी है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका मैं जवाब ढूंढ रही हूँ। तारों पर शोध ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक तरीका है। केपलर की दृष्टि बुरी तरह क्षीण थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। अपनी कमजोर निगाह की वजह से मैं खगोल विज्ञान के लायक नहीं रहा, लेकिन हर गुजरती रात साबित करती है कि कॉपरनिकस सही थे। चांद भी इसका सबूत है। गणितीय समीकरण एक तरफ, यही वास्तविकता है। केपलर मानते थे कि धरती बड़ी योजना में एक छोटा सा ग्रह भर है। 1965 में सोवियत संघ ने वोस को दो प्रक्षेपित किया। अंतरिक्ष यात्री एलेक्से लियोनोव अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले इंसान बने। जब से गागारिन पहली बार अंतरिक्ष में गए, तभी से मैं ब्रह्मांड की ओर आकर्षित हूँ। मैंने स्कूल में केपलर के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने अंतरिक्ष के सिर्फ एक अंश की खोज की है। इन दिनों हम मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में हालात हमारे ग्रह धरती पर जीवन जैसे नहीं है। पुराने कारोबारी शहर लेमगो में अना फेल्टमंस ने पाया कि 30 साल का युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, पर अपने निशान छोड़ गया था। पति की मौत के बाद अना ने उनका लिनिन कपड़ों का कारोबार संभाला। मैं लिनन के बुनकरों को एडवांस में अलसी के बीज देती हूँ। वो मुझे मना करने का अधिकार देते हैं और बदले में उन्हें स्थिर वेतन मिलता है। युद्ध लंबा और भयानक था, वो अपना कर्ज चुका सकते हैं। बतौर ईसाई ये मेरा फर्ज है। अना फेल्टमंस पर जादू टोने का इल्जाम लगा। वो 2000 टालर्स में अपनी आजादी खरीदने में कामयाब रही, लेकिन उनसे टाउन हॉल में नियमित पूछताछ होती थी। वो फिर से मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि विधवा फेल्टमंस जादू टोना करती है।
आज भी महिला उद्यमियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई व्यवसाय स्थापित करने और उसे सफल बनाने के लिए आपको बहुत अनुशासित होना होता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और शुरुआत में ज्यादा फल नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको दूर दृष्टि और भरोसा चाहिए। यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पत्रकारिता तेजी से बदलने वाला उद्योग है। आज के मल्टीमीडिया युग में आप अपनी आवाज दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और जब लोग सब कुछ मुफ्त में ऑनलाइन पा सकते हैं, तो आप सूचना के लिए कैसे लोगों से फीस मांग सकते हैं? पेशेवर पत्रकार तथ्य इकट्ठा करते हैं, स्रोतों की जांच करते हैं और मुद्दा समझाते हैं, सब कुछ सत्य की खोज में। स्ट्रासबुर्ग में योहान कारोलुस ने जब एक प्रिंटिंग वर्कशॉप खरीदी तो वो गंभीर कर्ज में डूब गए। आय के स्रोत की तलाश में उन्हें एक नियमित छपने वाले समाचार पत्र का ख्याल आया। उन्होंने अखबार का नाम रखा रिलेशन। 12वें संस्करण तक इसने कई ग्राहकों का दिल जीत लिया था। अपने कारोबार को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कारोलुस ने अखबार छापने के विशेष अधिकार के लिए नगर परिषद में आवेदन किया। ये कॉपीराइट से पहले का दौर था। उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया। यही मुझे बर्बाद करेगा। ये मेरा आइडिया था, पर अब सब लोग मेरी खबरें छापने में सक्षम होंगे। वो आने वाली इस गंदगी को देखकर हैरान रह जाएंगे। पूरे इतिहास में लोगों ने नई चुनौतियों का सामना किया और शानदार उपायों के साथ उभरे। उन्होंने सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपनी आजीविका खतरे में डाली। संयोजन के मामले में हमेशा विकास होता है, क्योंकि स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ भी ऐसा ही है। आप अपने आइडिया के बारे में और जानकारी जुटाते हैं, लेकिन हो सकता है एक वक्त पर आपको लगने लगे कि आपका आइडिया शायद ठीक नहीं है। भौतिक विज्ञानी कारोलीने डॉर्न भी अपनी खोज में गणित और अटकलों के जरिए पता लगाती हैं कि और कहां जीवन हो सकता है। मैं एक हद तक पता लगा सकती हूं कि किसी ग्रह पर पानी तरल रूप में है या नहीं। अगर है तो उस ग्रह पर जीवन हो सकता है। Gibt es ja auch noch non-thermal mass loss, einfach durch so particle winds. Das stimmt, aber wenn Caroline दुनिया की सिर्फ दो महिला वैज्ञानिकों में से एक हैं, जो एक्सोप्लैनेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। दूर की आकाश गंगाओं पर बहुत कम डाटा उपलब्ध है। Was ich habe von diesen Exoplaneten, मैं इन एक्सोप्लैनेट के बारे में सिर्फ उनका घनत्व और दायरा जानती हूँ, बस इतना ही। तो मैं तमाम सामग्रियों के जरिए इन ग्रहों के मॉडल बनाने का प्रयास करती हूँ। मैं ग्रहों का एक सिस्टम बनाती हूँ जो इनके घनत्व और दायरे जैसा हो सकता है। Heute habe ich dein Geheimnis entdeckt. आज मैंने आपका राज जान लिया। ब्रह्मांड को लेकर आपकी ज्यामितीय योजना के बारे में, सच इन पांच आकृतियों यानी प्लेटोनिक पिंड में छिपा है। अब देखिए, अगर मैं उन्हें जीवन और प्रकाश के स्रोत सूर्य के चक्कर काटते छह ग्रहों की कक्षाओं में रखता हूँ तो दिव्य योजना साफ हो जाती है। Dann ist das göttliche Gesetz klar.
1596 में मिस्टेरियम कॉस्मोग्राफिकम शीर्षक वाले अपने डॉक्टरेट के शोध प्रबंध के लिए केपलर ने 5 प्लेटोनिक पिंड के आधार पर ग्रहों की कक्षाओं का एक मॉडल बनाया। इसने उन्हें 6 ज्ञात ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि की कक्षाओं और उनके बीच दूरी की गणना करने का मौका दिया। उन्होंने अपनी खोज संसार रचने वाले ईश्वर को समर्पित की। आपने कमजोर इंसान यानी मुझे बनाया, लेकिन आपने मुझे अपनी रचनात्मकता तक पहुंचने भी दिया। सदियों बाद केपलर की गणनाएं आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा की नींव बनी। केपलर ने सबसे पहले पता लगाया कि ग्रह कैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चर्च इस बात पर अड़ा रहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक प्रणाली खोजने के कई दशक बाद केपलर के 3 नियम ब्रह्मांड के बारे में मानव जाति की समझ को दूसरे स्तर पर ले आए। कॉपरनिकस पहली क्रांति है क्योंकि इसने हमें ब्रह्मांड के बचकाने दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया। अचानक हमें एहसास हुआ कि हम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हैं, बल्कि हम इस छोटे से ग्रह पर कहीं मौजूद हैं। ये हमें हमारे महत्व पर दोबारा विचार करने को मजबूर करता है। तो हमें अपनी असाधारण प्रकृति को दोबारा समझना होगा। ठीक है, तो ये प्रकृति हमारी धरती बन गई। हम असाधारण हैं क्योंकि हम विशेष जानवर हैं। लेकिन फिर डार्विन आए और हमें और आगे ले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, आप इतने भी खास नहीं हैं, आप जानवरों के साम्राज्य का हिस्सा भर हैं। अंतरिक्ष की खोज हमें ईश्वर से दूर ले जाती है या उनके करीब लाती है? क्या धरती अनोखा ग्रह है? अगर हम किसी और ग्रह पर जीवन खोज लें तो क्या होगा? एक ग्रह पर जीवन तब पनपता है जब इसकी सतह पर लंबे समय तक पानी का प्रवाह रहे। लेकिन ये हमारे मॉडल जीवन की हमारी परिभाषा पर आधारित है। असल में जीवन को गैर जीवन से अलग करने वाली कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी पर भी हमारे सामने यही सवाल है कि जीवन असल में होता क्या है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जीओप्स मिशन लगभग 500 ग्रहों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए एक टेलीस्कोप का उपयोग करता है। यही इस विषय को इतना रोमांचक बनाता है। हम कई अलग अलग आयामों की बात कर रहे हैं। हमें परमाणुओं के बीच परस्पर क्रिया देखनी होगी और देखना होगा कि ये ग्रहों की संरचना को कैसे प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में कुछ सिद्धांतों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे संतुलन और उथल पुथल। योहान कारोलुस के लिए अशांत समय। 1610 के आसपास स्ट्रासबुर्ग में पहला अखबार युद्ध छिड़ गया। किताबों की छपाई की बदौलत ढेर सारे लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जब तक वो राजनीति से दूर रहा तब तक प्रेस आजाद था। ये दो सिर वाले राक्षसों की कहानियों से लेकर कथित चमत्कारों और नए धार्मिक संप्रदायों तक कुछ भी अनर्गल छापने के लिए आजाद था। ये कुलीनों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए था। मेरे सम्मानित और शिक्षित पाठकों को जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और स्पेन में होने वाली प्रतिष्ठित और उल्लेखनीय घटनाओं के बारे में छपा हुआ पढ़ना चाहिए। कारोलुस सनसनी की भूखी जनता से भयभीत थे। वो उन्हें शिक्षित करना चाहते थे और ऐसी खबरें देना चाहते थे जो उन्हें सोचने को मजबूर करे। निसंदेह 17वीं सदी में बदलाव हुआ।
जो 18वीं सदी तक जारी रहा। राजनीतिक स्वतंत्रता और नए विचार साथ साथ आगे बढ़े। अंतःकरण की आजादी का अधिकार, जो खुद में झांकने का एक रूप है, और इसे धार्मिकता से राजनैतिकता में स्थापित कर दिया गया। अना फेल्टमंस पर मुकदमे के दस्तावेज आज भी लेमगो शहर के अभिलेखागार में देखे जा सकते हैं। जादू टोने के आरोपों की जांच 10 साल तक चली। क्या उन्हें इसलिए सताया गया क्योंकि वो एक स्वतंत्र और सफल व्यवसायी थीं? अना ने गरीब बुनकरों को कर्ज दिए और व्यापारी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्या मैं अपने पैसों से आलसी व्यापारियों को सहारा दूं और खुद तय ना करूं कि लिनन बुनकरों को उनके माल के लिए कितना भुगतान करना है? बिल्कुल नहीं। अना ने लेमगो के व्यापारियों को भी कर्ज दिया जिन्होंने उसे चुकाने से मना कर दिया। चिंता मत करिए मालकिन, अमीर व्यापारी मेरा कारोबार बर्बाद करना चाहते हैं। ईर्ष्या और लालच के चलते वो मुझे लोगों की मदद करने से रोकना चाहते हैं। अगर दुनिया बर्बाद हो रही हो तो हमें दयालुता का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। मुझे लगता है कि क्रूरता, बदमाशी और मतलबीपन ही आंदोलनों और समुदायों को तोड़ती है, और वो लोग जो हमेशा अपना सोचते हैं और एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते हैं। योहान कारोलुस समझ गए थे कि सबसे खराब आपदाएं हमेशा मानव निर्मित होती हैं। युद्ध और शांति के बीच अटूट संबंध है। दुनिया भर से आ रही खबरें अच्छी नहीं हैं। हर जगह भक्त मंचों से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो सुधारवादी हों या पारंपरिक चर्च। मेरा शहर कोई अपवाद नहीं है। थर्टी ईयर्स वॉर की पूर्व संध्या पर कारोलुस ने महसूस किया कि जर्मनी में प्रतिद्वंदी धार्मिक आस्थाओं के बीच संघर्ष अपरिहार्य था और इसमें यूरोप को तबाह करने की क्षमता थी। 1617 में धर्म सुधार की 100वीं वर्षगांठ की निशानी वाले पैम्फलेट में लूथर की एक तस्वीर थी जिसमें वो एक बड़ी कलम से अपनी पिचाण में थीसिस लिखते और पोप के कानों में डालते दिखाए गए थे। लूथर की मृत्यु को 70 साल बीत चुके थे। युद्ध के मैदानों पर युद्ध शुरू होने से बहुत पहले वाक युद्ध शुरू हो चुका था। 1618 में शुरू हुए संघर्ष को खत्म होते होते दशकों बीत चुके थे। दोनों पक्ष पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। क्रीमिया पर रूस के कब्जे पर रिपोर्ट करने पाउलीने टिलमन ओडेसा के दौरे पर आई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष उनके काम का नया फोकस बन गया है। वो कई लोगों के इंटरव्यू लेती हैं, जैसे ये यूक्रेनी महिलाएं जिन्होंने स्वेच्छा से घायल सैनिकों की देखभाल की। वो ये इंटरव्यू ऑनलाइन पोस्ट करती हैं। खबर बहुत ही सतही तरीके से पेश की जाती है। आप इसे पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में कभी नहीं सोचते। योर कॉरेस्पॉन्डेंट पर हम सिर्फ उन्हीं खबरों को फॉलो करते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं। पाउली ने संघर्ष को दूर से देखती हैं, लेकिन जितना देखती हैं, वो युद्ध के आत्मा को नष्ट करने वाले असर को महसूस करने के लिए काफी है। यहाँ जर्मनी में हम हर रोज जंग देखते हैं। दुनिया धार्मिक झगड़ों से बहुत पहले थक चुकी है। कोई ऐसा प्रकट हो जाता जिसे पता होता कि विभिन्न पंथों के लोग कैसे साथ आकर प्रेम से रह सकते हैं, तो उसे विचित्र समझा जाता।
zusammenwachsen. Aber असल में वो दुनिया पर बड़ा उपकार कर रहा होता. Aber er würde der Welt vermutlich gut tun. केपलर प्रतिद्वंद्वी धार्मिक मान्यताओं के बीच सुलह देखना चाहते थे. धार्मिक सहिष्णुता में भरोसे की वजह से उन्हें पवित्र आयोजनों से बाहर रखा गया और एक विधर्मी की तरह व्यवहार किया गया. Das ist auch wieder so eine Frage des Glaubens, ja, ist wie ohnmächtig. Ja, आस्था का सवाल है कि आप कितना बेबस महसूस करते हैं. क्या कोई दिव्य शक्ति है? कुछ लोग जब स्वर्ग और ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो इस बेबसी से उबर जाते हैं. जिस पल आप लाचार महसूस करते हैं आप उस खाली जगह को किसी और ताकत से भर देते हैं. अमूमन ये आस्था की ताकत होती है. मैं नास्तिक हूँ. मैं ईश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकती. मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि हर चीज को अर्थ देने वाली शक्ति क्या आकार लेगी. क्या ईश्वर के बिना सत्य संभव है? वो जो इंसान के अनुभव पर आधारित हो? खगोल शास्त्री टीको ब्राहे की मृत्यु के बाद केपलर ने 1601 में प्राग में शाही गणितज्ञ का पदभार संभाला. लेकिन वो एक रचनात्मक संकट से गुजर रहे थे. अपने पूर्व वृत्ति की प्रणाली इस्तेमाल करके ग्रहों की कक्षाओं की गणना से कोई नतीजा नहीं निकल रहा था. केपलर पारिवारिक भत्ते की उम्मीद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्राग चले गए थे. बच्चों यहाँ आओ. वैज्ञानिक जो कहानियाँ और सिद्धांत खोजते हैं उनका कल्पनाशीलता से बहुत कुछ लेना देना है. कोई चीज उन्हें इतना कैसे आकर्षित कर लेती है कि वे इस ख्याल के साथ खोज में जुट जाते हैं कि चीजें किसी न किसी तरह आपस में जुड़ी होती हैं. Seit Ptolemäus entspricht nur die Ptolemy के दौर से इंसान मानता आया है कि आकाशीय पिंड संपूर्ण गोले हैं जो पूर्ण वृत्तों में यात्रा करते हैं. आइए अब हम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा करें. देखिए इनकी चाल कितनी वृत्ताकार है. गोलाकार नहीं है, अना गोला पूरा बनाओ. रुको बच्चों. ये वृत्त नहीं है, तुमने अंडाकार बनाया है. अना हो गया. दुनिया बदलने वाली है. सभी ग्रह एक अंडाकार कक्षा का अनुसरण करते हैं, गोले का नहीं. मैं इसे केपलर का पहला नियम कहूंगा. केपलर के ग्रहों की गति के नियमों के बिना बाहरी अंतरिक्ष में चलने का कोई तरीका नहीं होता. एक समन्वित सार्वभौमिक समय प्रणाली के बिना ना तो धरती और समुद्र पर कोई आधुनिक नेविगेशन होगा, ना ही ऑनलाइन डाटा ट्रैफिक. वक्त वो है जो घड़ी बताती है. मानव जाति पर घड़ी की अहमियत का इतिहास यूरोप में सुधार काल के तुरंत बाद शुरू होता है. चर्च टावरों और टाउन हॉल में लगी मशीनी घड़ियों में सभी लोग पहले घंटों और फिर मिनटों में समय देख सकते थे.
दुनिया का डिजिटलीकरण एक नई और बड़ी शुरुआत है। अतीत में कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आपको हर कदम पर छोटी से छोटी चीज पर काम करना पड़ता था। अब कंप्यूटर ये सब कर देते हैं, ये उन बड़ी समस्याओं को हल कर देते हैं जिन्हें आमतौर पर इंसानी वक्त के अनुसार हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञान की गति भी तेज हुई है। क्या हम समय की एक अलग परिभाषा गढ़ रहे हैं? त्वरित संचार ने एक बहुत तेज दुनिया को जन्म दिया है। सब कुछ कहीं भी कभी भी उपलब्ध है। घड़ी की तरह अखबार ने भी दुनिया बदल दी। स्ट्रासबुर्ग में योहान कारोलुस की प्रकाशित खबरों ने सत्ता के लिए खतरा पैदा कर दिया। एक बार फिर उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगा। सब कुछ काला सफेद है, दिन और रात, उत्तर और दक्षिण, लेकिन खुशी और उदासी काले और सफेद नहीं होते, वो अटूट बंधन में जुड़े हुए हैं। क्या हुआ था? कारोलुस ने प्राग के शाही दरबार से एक कहानी प्रकाशित की थी। तुर्की के एक दूत ने चर्चों को अपवित्र कर दिया था और सम्राट उसे निष्कासित करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो उन्हें निर्वासित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सम्राट गरीब थे, एक अपमानजनक बयान। 3 साल बाद साप्ताहिक समाचार पत्र रिलेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कभी कभी हमें दृढ़ता का परिचय देना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि विकास से दुनिया या समाज बेहतर जगह नहीं बन रही है, तो हमें ना कहना होगा। अना फेल्टमंस के पिता लेमगो में एक प्रोटेस्टेंट पादरी थे। उन्होंने सेंट मैरी चर्च से शरण मांगी। लेकिन चर्च उन्हें पनाह देने और उनकी रक्षा करने में विफल रहा। 1532 में लागू जर्मन आपराधिक कानून के पहले हिस्से कॉन्स्टिट्यूशियो क्रिमिनालिस कारोलिना के अनुसार कबूल नामा हासिल करने के लिए यातना का इस्तेमाल हो सकता था। यातना के आगे अना फेल्टमंस ने सब कबूल कर लिया। मैं जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। हाँ, मुझे शैतान ने पगार दी थी, क्योंकि मैं उसकी रखेल हूँ। जब लोग हत्या को सही ठहराने के लिए झूठ बोलें, तो सच का क्या मूल्य रहा? पाउली ने यूक्रेन से रिपोर्ट कर रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि वहां क्या हो रहा है, ताकि वो दूसरों को सूचित कर सकें। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि मेरे कोई आदर्श हैं। बहुत से लोग करियर को तवज्जो देते हैं, वो लोग वास्तव में दूसरों के लिए आदर्श नहीं होते। मैं यही कहूंगी कि मेरा कोई आदर्श नहीं है। शायद मेरी माँ, वह बहुत मजबूत इंसान थीं। कई बाधाओं के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने मन का किया। पता है, हो सकता है कि क्रांति की राहें माओं के हाथों बनाई जाएं, शायद माएं जवाब हो, पता नहीं। पर मुझे लगता है कि महिलाएं ताकतवर पदों पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन्हें परिवार का ख्याल रखना होता है। पर शायद इसीलिए उन्हें फैसले लेने वाले पदों पर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग घुलते मिलते हैं व्यवस्थित तरीके से परिवार चलाना सीखते हैं, या उसी तरह बड़े समूह संभाल सकते हैं, वही हमें आने वाले संकट से निकाल सकते हैं। Take us through the coming crisis.
अदालत ने अना फेल्टमैंस को थोड़ी राहत दी, पर अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। फैसला ये था कि मैं समाज की दुश्मन हूँ, मेरी सजा जलाकर मार डाले जाने की है। उन्होंने मुझ पर अपने पैसों से तलवार खरीदने का रहम किया ताकि मुझे आग की लपटों का सामना न करना पड़े। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने 250 साल पहले खुद को ईश्वर, भलाई और सच्चाई को समर्पित कर दिया। मैं कहूंगी कि इंसानियत को लेकर न सकारात्मक सोचती हूँ न नकारात्मक। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि समाज या मानवता मूल रूप से अच्छी या बुरी है। हमें प्रेरणा किससे मिलती है? शायद खुशी की तलाश से। Am Ende wollen wir irgendwie glücklich sein. So. Mich treibt an, dass ich मुझे जो चीज प्रेरित करती है वो है मेरी समझ कि इस ग्रह पर जीवन बेशकीमती है। मैं जिंदगी को एक शानदार तोहफे की तरह देखती हूँ जिसे खुलकर ना जीना मेरी मूर्खता होगी। अगर ये दुनिया खत्म भी हो जाए तो मैं सच की खोज में जुटा रहूंगा।